Today we are going to do one of the reform which is undertaken by the government in the year 2016. Any guesses? Demonetization. Yes. So you must be very much conscious when this deliberate effort of making some currency notes not to be called as legal tender anymore was done by the government of India. So that process known by the name of demonetization. So hum iske bare mein discuss karenge kya hota hai demonetization, iska kya positive impact pada economy ke upar ya kya negative impact pada. So demonetization was a initiative taken by the government of India in 8th November 2016. ठीक है, टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इकोनॉमी. सो कई बार आपके माइंड में आता होगा ये क्वेश्चन कि ऐसा गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया कि नोट्स बंद कर दिए पुराने वाले. एक रीजन ये था बेटे, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा ब्लैक मनी आ रही थी. ब्लैक मनी मतलब वो मनी विच इज अनअकाउंटेड फॉर, जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया. सो उसके करके एक पैरेलल इकोनॉमी साथ साथ चलती है. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ब्लैक मनी करप्शन. इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने, कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं बेटे जैसे कि यूएस है, वो हर 5-7 सालों बाद अपनी करेंसी चेंज कर देता है. लोगों को पता होता है कि करेंसी अब चेंज होने वाली है तो दे स्पेंड इट. ठीक है, तो अब इंडिया में क्या है, सालों साल करेंसी चेंज नहीं होती. लोग अपनी दीवारों में नोट गाड़ के रख लेते हैं कि चाहे हम इसको 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल भी यूज करेंगे तो भी ये चल रहे होंगे. तभी वो एक्यूमुलेशन की जो भूख है ना, वो खत्म नहीं होती है इंडियंस में, है ना. लेकिन बाहर वाली कंट्रीज, इसीलिए वो ज्यादा सेविंग में बिलीव नहीं करते, स्पेंडिंग में बिलीव करते हैं. सेव करके क्या करेंगे, 5 साल बाद जब करेंसी चेंज हो जानी है, जब वो उसकी वैल्यू जीरो हो जानी है, तो वो उसका क्या करेंगे. लेकिन इंडिया में क्योंकि ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए पीपल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, दे कीप ऑन इवेडिंग द टैक्स. एंड अगेन द प्रॉब्लम ऑफ फेक करेंसी वॉज ऑल्सो वेरी मच देयर. ठीक है, सो जो कि टेररिज्म को प्रमोट करती थी फेक करेंसी. फेक करेंसी से जितना भी टेररिज्म का जो आर्म्स है, एम्युनिशन है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी ट्रेनिंग है टेररिस्ट की, दैट वाज फाइनेंस्ड बाय द फेक करेंसी. सो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट्स को लीगल टेंडर होने से मना कर दिया. दे विल नो लॉन्गर बी लीगल टेंडर इन द इकोनॉमी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर? दैट करेंसी which is legally allowed to be circulated is said to be having legal tender. ठीक है, 500 और 1000 के नोट इससे पहले लीगल टेंडर थे, यानी वो लीगली अलाउड थे कंट्री में सर्कुलेट होने के लिए. आप उनको देके और कुछ भी ले सकते थे, उनमें परचेजिंग पावर थी 500 और 1000 के बराबर. बट जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया दैट दीज विल नो लॉन्गर रिमेन द लीगल टेंडर, दैट इज आज के बाद आप किसी को 500 या 1000 का ये वाला नोट दोगे तो उसकी वैल्यू जीरो है, इसके बदले आप कुछ भी खरीद नहीं पाओगे. ठीक है, तो दिस वाज डन ऑन 8th नवंबर 2016 टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी. सो इसकी जगह गवर्नमेंट ने नए नोट की सीरीज निकाली 500 की, और 1000 के नोट्स गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिए, उसकी जगह 2000 के नोट को लॉन्च किया गया था. सो अब ऑल ऑफ अ सडन जब ये अनाउंसमेंट हो गई, तो ऑफ कोर्स पीपल वर इन कईयों के पास घर में पड़े ही 500 के और 1000 के नोट है, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे खाना खाएंगे, कैसे करेंगे. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पीरियड दिया कि आप अपने पुराने नोट्स जो हैं वो अपने बैंक अकाउंट्स में 31 दिसंबर 2016 तक आप डिपॉजिट करवा सकते हैं. सो व्हेन यू डिपॉजिट योर करेंसी नोट्स इनटू अकाउंट, तो आपकी वो परचेजिंग पावर बच गई.
ठीक है, मेरे पास 10,000 के पड़े हुए थे, 500 के नोट मैंने जमा करा दिए, तो वो मेरे अकाउंट में आ गए, मतलब गवर्नमेंट की नजरों में आ गए, लेकिन वो मेरे पैसे बच गए, है ना। और अगर आपको डिक्लेयर करने हैं कि समटाइम्स यू हैव टू डिक्लेयर, क्योंकि अगर अमाउंट ज्यादा है तो आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ये आपने कहाँ से अर्न किए हैं, ठीक है। तो फिर वो आप विद आरबीआई डिक्लेरेशन देके यू कैन डिपॉजिट इट अप टू 31st March 2017। इफ यू वॉन्ट टू डिक्लेयर द सोर्स ऑफ योर करेंसी देन यू हैव टू डिपॉजिट इट विद आरबीआई अप टिल 31st March। ऑल राइट, फिर गवर्नमेंट ने एक और, क्योंकि अब मैंने कहा कि लोगों के पास पैसे की कमी हो गई, शॉर्टेज हो जाती है जब करेंसी नोट्स की सर्कुलेशन बंद हो जाती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कंप्लीट ब्रेकडाउन ना हो और कैश क्रंच ना हो ये प्रोविजन रखी कि एवरी पर्सन कैन एक्सचेंज 4,000 रुपीज, करेंसी वर्थ 4,000 रुपीज, ओल्ड नोट की करेंसी 4,000 रुपए तक डेली वो एक्सचेंज करा सकते हैं, और उसके बदले बैंक उनको नए करेंसी नोट्स दे देगा। उस टाइम पे सिर्फ 2,000 के नोट ही छप रहे थे। गवर्नमेंट ने शायद ये रियलाइज नहीं किया कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है और बैंक्स ब्रांचेस बहुत कम हैं, ठीक है, और हर फैमिली में से एक पर्सन, आप खुद इमेजिन करो, 4,000 रुपए लेके लाइन में खड़ा हुआ है और कितनी लंबी लाइनें लग गई होंगी, है ना, क्योंकि हम लोग पैनिकी हो जाते हैं बहुत ज्यादा जल्दी, इंडियंस है ना, हमारी नेचर है कि क्योंकि हमने बहुत कुछ झेला हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारी नेचर ऐसी बन गई, वी हैव सफर्ड अ लॉट इन अवर पास्ट। पार्टीशन हुई, एकदम से लोगों को बोल दिया गया अपने घरों से निकलो, है ना, इतना डिस्टेंस क्रॉस करके पाकिस्तान से लोग इंडिया, इंडिया से लोग पाकिस्तान, सो वी हैव सीन, वी आवर एल्डर्स हैव सीन लॉट ऑफ यू नो मिस हैपनिंग्स इन देयर पास्ट, सो दैट्स व्हाई दे वांट टू रिमेन कॉशियस, इसीलिए वो अपने बेटे पास पैसे रखते हैं घर में। तो जिन लोगों ने 10, 20, 50 हजार घर में रखे हुए हैं, या 1,00,000 रुपए, 2,00,000, 20,00,000, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी थी, करोड़ों में थी, तो लोग इसलिए रखते हैं कि अपनी कंटिनजेंसीज को वो मीट कर सकें। तो इसीलिए जो मिडिल क्लास है, जो 1,00,000 तक के रुपए अपने पास जोड़ जोड़ के रखता है कि कल को कोई कंटिनजेंसी पड़ जाएगी, है ना, तो हमें जरूरत पड़ सकती है इसकी, दे वर दी वर्स्ट सफरर ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। सो मेनी पीपल यू नो दे डाइड। वन मोर प्रोविजन वॉज देयर दैट दीज ओल्ड करेंसी नोट्स दे वर एक्सेप्टेबल as legal tender at petrol pumps, government hospitals, payment of government dues like taxes, power bills, etc. ठीक है, तो इससे क्या फायदा हुआ, government hospitals क्यों रखा गया, ताकि अगर कोई बीमार हो जाता है, उसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, उसके पास पुराने करेंसी नोट है, तो इस करके उसकी कहीं जान खतरे में ना चली जाए अगर government hospital accept करने से बंद कर देंगे, तो इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अलाउ किया गया, ठीक है। पेट्रोल पंप्स में भी अलाउ किया गया, और गवर्नमेंट के ड्यूज जैसे कि टैक्सेस या बिल्स, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि कोई गवर्नमेंट के अगर बैड डेट्स हैं, कोई लोग बिल नहीं दे रहे हैं कितने सालों से, या टैक्सेस इवेड करते हैं, तो इसी बहाने वो टैक्सेस भी पे कर देंगे, ठीक है जी। रेलवे टिकट्स, यस, टू सर्टन टाइम पीरियड रेलवे टिकट्स वर ऑल्सो allowed to be bought with this currency. Now, बेटे, this move received both appreciation and criticism. इसकी appreciation भी हुई और criticism भी हुआ. Criticism किसने किया? जो लोग बहुत adversely affect हुए, कौन affect हुए थे? Middle class, ठीक है, क्योंकि poor लोग जो है वो generally अपने पास 500,000 के नोट उनके लिए मुश्किल होता है, वो तो जितना डेली बेसिस डेली वेजर्स होते हैं, जितना कमाते हैं उतना खर्च देते हैं, है ना। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो बहुत जोड़ जोड़ के रखता है कुछ नोट, उसके बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए, कोई कंटिनजेंसी के लिए, तो और मोर ओवर डेली वो सैलरीड पर्सन हैं जनरली, उनको डेली अपने काम पे जाना पड़ता है, या स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, तो काम वगैरह सब छोड़ के उन लोगों को, बेचारों को बैंक के आगे लाइन लगानी पड़ी, एटीएम्स के आगे भी बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लग चुकी थी। दूसरा क्रिटिसिज्म करने वाले वो लोग थे
जो बहुत ज्यादा रिच थे, क्योंकि जिसने बेटे करोड़ों रुपया टैक्सेस से बचा बचा के रखा हुआ है, गवर्नमेंट को डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, वो करोड़पति है, वो एकदम से लखपति रह गया बेचारा, है ना। तो इसीलिए इट वॉज मेट विथ क्रिटिसिज्म बाय दीज पीपल एज वेल। सेकेंडली शॉर्टेज हो गई, करेंसी जो पुरानी थी वो बैंकों में जमा हो गई, अब वो किसी काम की नहीं है। करेंसी बेटे सर्कुलेशन में रहे तो ही काम चल सकता है ना। पुरानी करेंसी बैंक्स में जमा हो गई, दिस इज नो मोर अ लीगल टेंडर। नई करेंसी जो गवर्नमेंट ने उसके बदले छापी वो लोगों तक आ तो गई, लेकिन उसकी भी शॉर्टेज होने लग गई। सो करेंसी की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई, तो इसका जो इम्पैक्ट था वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ गया। मैं शॉपकीपर हूं, मैं सामान लेके आती हूँ, बेच देती हूँ, मेरे पास पैसे आते हैं, मैं फिर सामान लेने चली जाती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने गवर्नमेंट ने मुझे टाइम दिया कि आप बैंक में जमा करा दो, तो मैंने बैंक में जमा करा के अपने पैसे बचाऊंगी, है ना, क्योंकि मेरा कोई आगे मैं ट्रेडर के पास वो पुराने नोट लेके जाऊंगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा इट इज नो मोर लीगल टेंडर। तो मैंने बैंक में वो जमा करा दिए अपने पास, जितने मेरे पास 1-2 लाख रुपए थे वो मैंने बैंक में जमा करा दिए, अब मैं नया सामान कहां से लेके आऊं। प्रॉब्लम, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी केम टू अ हॉल्ट, ठीक है। सो बट एवरीथिंग इम्प्रूव्स विद टाइम, सो थिंग्स सच काइंड ऑफ थिंग्स दे ऑल्सो बिकेम नॉर्मल आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। सो जब चीजें कवर हो जाती है उसके बाद ही हमें उसका इफेक्ट पता चलता है कि क्या वो इसका इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक रहा या बुरा रहा, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट हैव बीन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन बेटे, इट इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इट इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस। लोगों ने टैक्स के साथ कंप्लाई करना शुरू कर दिया, यानी मानना शुरू कर दिया, ठीक है। दे स्टार्टेड पेइंग टैक्स, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर ब्रॉट इनटू टैक्स एम्बिट। इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स डिसीजन टू पुट अ कर्ब ऑन ब्लैक मनी, शोइंग दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड। मोदी गवर्नमेंट का जब पावर में आई थी तो गवर्नमेंट ने कहा था हम ब्लैक मनी को हटा देंगे, ठीक है। तो उसी लिए आपने अपनी वो गवर्नमेंट को इलेक्ट किया कि गवर्नमेंट आएगी ये ब्लैक मनी को हटा देगी। बेटे ब्लैक मनी से क्या होता है, जब आपने एक मनी गवर्नमेंट की नजरों में नहीं लाई हुई, गवर्नमेंट के खाते में नहीं है, आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया हुआ, तो आप उसको इलीगली खर्चोगे। आप क्या करोगे, आप प्रॉपर्टीज खरीदोगे, आप शादियों पे स्पेंड करोगे, है ना, आप लग्जरी गुड्स खरीदोगे, आप फार्म हाउस बना लोगे, आप बड़ी बड़ी कारें लोगे, उसमें आप एक तो चेक काट के दोगे व्हाइट मनी का, बाकी की जो अमाउंट है वो आप अपनी ब्लैक मनी यूज करोगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, आप गुड्स की डिमांड करते हो जब इन चीजों की, तो गुड्स के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। मालूम है ना, ये एक फैक्ट है इकोनॉमिक्स का, जब भी गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो ब्लैक मनी है जिसके पास, वो तो कहेगा कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत, मैं तो अलमीरा खोलूंगा, मेरी तो मनी गिर रही है बाहर को। लेकिन इसका फिर इफेक्ट किसको पड़ेगा जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अगेन मिडिल क्लास। तो ब्लैक मनी जो है वो इकोनॉमी के लोगों के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन का एक स्ट्रिक्ट स्टेप उठा के, एक एक्सट्रीम स्टेप उठा के गवर्नमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि हमने जो कहा था कि हम ब्लैक मनी को हटाएंगे, वी विल पुट अ कर्ब ऑन ब्लैक मनी, वी विल नॉट टॉलरेट टैक्स इवेजन, ये गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया, ठीक है। सो टैक्स इवेजन जो है, it results in financial penalty, it will result in financial penalty and social condemnation. इससे गवर्नमेंट ने यह प्रूव किया कि आज के बाद जो टैक्स की चोरी करेगा उसको एक तो पेनालिटी लगेगी,
फाइनेंशियल पेनालिटी, दूसरा सोशल कंडेमनेशन, मतलब सोसाइटी में उसको कंडेम किया जाएगा। बेटे देखो, जब कोई चोर होता है तो हम उसको किस तरह से कंडेम करते हैं ना, ये चोर है, इसने चोरी की है ना, इसको पीटो, इसको ये करो। तो जब आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, गवर्नमेंट के घर से चोरी कर रहे हो, है तो चोरी ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा टैक्स इवेजन विल बी रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल पेनाल्टी एंड इन सोशल कंडेमनेशन। सो इससे डरते हुए लोग टैक्स इवेजन से दूर हो जाएंगे, टैक्स कंप्लाई करेंगे, टैक्सेस पे करेंगे टाइमली, और करप्शन जो है वो कम हो जाएगी। मैक्सिमम जो ब्लैक मनी है ना बेटे, इट इज अ रिजल्ट ऑफ ब्राइबरी। मैं गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती हूँ, मैंने किसी की फाइल आगे लगवानी है, मैं नहीं लगवा रही, उसने कहा मैं आपको 5 लाख दूंगा, मेरी फाइल आगे भिजवा दो। मेरे को 5 लाख मिल रहे हैं, मैं फाइल आगे भिजवा दूंगी, पर ये 5 लाख मेरी अर्नड इनकम नहीं है, मैं इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करूंगी। तो ये 5 लाख क्या बन गए? ब्लैक मनी बन, ठीक है। सो ब्लैक मनी मेजर इज मेजरली यू नो, और यू कैन से ब्राइबरी इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक मनी, ठीक है। उसके बाद इसका और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं बेटे, जो सेविंग्स है इंडिविजुअल्स की, देवर चैनलाइज्ड इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जिसने 10 लाख रुपए बचा के अपने घर में रखे हुए थे, अब वो कहां चले गए? बैंकिंग सिस्टम में चले गए। अब वो 50 लाख एक्टिव फॉर्म में आ गए, क्योंकि वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आ गए, ये आगे सर्कुलेट होंगे, मनी की सप्लाई को बढ़ाएंगे, बैंकों के पास ज्यादा रिसोर्सेज आ गए, बैंक ज्यादा लोन अब दे पाएंगे, है ना। इससे पहले क्या था? वो 10 लाख रुपए आपके लॉकर में पड़े हुए थे, दे वर नॉट चैनलाइज्ड इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो बैंक्स के पास रिसोर्सेज की कमी रहती थी, बैंक्स लोन्स भी कम दे पाते थे, ठीक है। अब बैंक के पास रिसोर्सेज ज्यादा आ गए, तो हैव यू विटनेस्ड दैट देयर हैज बीन लोअरिंग डाउन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स सिंस डीमोनेटाइजेशन। रीजन, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, जिसका कंज्यूमर को फायदा हो गया है। देन बेटे, डीमोनेटाइजेशन कुड आल्सो हेल्प टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन अनदर वे बाय शिफ्टिंग ट्रांजैक्शंस आउट ऑफ द कैश इकोनॉमी इनटू द फॉर्मल पेमेंट सिस्टम। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी आसानी रहेगी। देखो बेटे, जो टैक्स है ना, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? मेरी टैक्स पेबल कैपेसिटी कितनी है? मेरे अकाउंट में जितने मेरी सैलरी पड़ी है उसके बेसिस पर कैलकुलेट होगी, है ना, वो कितना इजी है वो कैलकुलेट करना। लेकिन अगर मेरे को एक एडिशनल सोर्स से इनकम आती है, जैसे मैं सपोजिंग मैं आई एम रनिंग माय ओन कोचिंग सेंटर, तो उससे मुझे कैश आ रहा है ना। कितने टीचर्स जो कोचिंग सेंटर्स रन करते हैं, उनको आप फीस देते हो? किस फॉर्म में देते हो? कैश फॉर्म में देते हैं। तो वो अपनी सैलरी के ऊपर तो टैक्स पे कर देते हैं, लेकिन वो इस कैश के ऊपर, करेंसी के ऊपर टैक्स पे नहीं करते। तो अब डीमोनेटाइजेशन से लोगों को पता चल गया कि कल को गवर्नमेंट फिर से कोई भी करेंसी नोट बंद कर सकती है, तो इतने पैसे हमने घर में करेंसी की फॉर्म में नहीं रखने, तो उसको क्या करते हैं, उसको भी अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं। जब अकाउंट में डिपॉजिट हो गए, वो गवर्नमेंट की नजरों में आ गए, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेट कर सकती है। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स इजी। यू मस्ट हैव विटनेस्ड दैट वी पीपल, हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, वी हैव बिगिन टू शिफ्ट फ्रॉम कैश टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजीज। आप में से कुछ लोग अपनी फीस भी अब इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिट करा देते होंगे। आप कभी मूवी देखने जाते हो तो आप अपने यूपीआई बेस्ड एप्स, है किसी के पास यूपीआई बेस्ड एप्स? पेटीएम, गूगल पे, है ना, आपके पास नहीं तो पेरेंट्स के पास जरूर होगा। सो दे मेक यूज ऑफ दीज एप्स टू मेक पेमेंट। सो मतलब इकोनॉमी जो है डिजिटलाइज भी होती जा रही है आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। और बेटे, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम ये भी कर सकते हैं कि टेररिज्म को कंट्रोल करना हमारा पर्पस था, टेररिज्म कुछ एक्सटेंट तक कंट्रोल हुआ, और वो हम एक इतनी हम यू नो इट्स अ वेग स्टेटमेंट के कंट्रोल हुआ या इसके करके कंट्रोल हुआ, ये एक कारण जरूर था। डीमोनेट गवर्नमेंट ने कारण दिया था हमने टेररिज्म को कंट्रोल करना है,
तो उसके कंट्री, लेकिन हाँ फेक करेंसी की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई है। तो जब उनको फंडिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली टेररिज्म एडवर्सली इफेक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। सो दीज वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट में आप यही लिख सकते हो कि लोगों को जो इनकन्वीनियंस हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल्ट पे आ गई, लोगों की डेथ्स हुई, ठीक है, शॉर्टेज हुई करेंसी की, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई। बट नाउ अगेन जब भी हम कोई नया स्टेप लेते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो हमें लॉन्ग रन में उसका इफेक्ट देखना चाहिए, शॉर्ट रन में नहीं, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट डीमोनेटाइजेशन। जीएसटी हमने कर लिया था, ठीक है। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं वो हम कर सकते हैं इसके एलपीजी के, विद दिस अवर सिलेबस इज ओवर इंडियन इकोनॉमी का। तो बीओपी का एक चैप्टर मैं आपको मंडे को करवा दूंगी, ठीक है बेटे। और मंडे को इसका टेस्ट ले लूं फिर मैं? वैसे तो आपके ट्यूसडे वेडनेसडे ऑनवर्ड्स रिवीजन टेस्ट ही शुरू होने, ठीक है। तो मैं ऐसे करती हूँ, ये चैप्टर मैं फर्स्ट रिवीजन टेस्ट में डाल देती हूँ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। तो फिर उसका टेस्ट इकट्ठा हो जाएगा।